नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार। आज है 19 जून और आज की जो हेडिंग्स है एक बार फटाफट देख लेते हैं। जो इंडिया और यूएस के जो दोनों एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने मिलकर अपने कॉन्फ्लिक्ट और जो ऐसे इश्यूज हैं जहां पर दोनों का कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है उसके ऊपर बातचीत करी। कल भी इसके ऊपर आर्टिकल आया था, आज इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दूसरा है रशिया रेडी टू शिफ्ट टर्बाइन होल वॉल्स फॉर द कुदनकुलम। कुदनकुलम हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और वहां पे मेन रोल है रशिया का उसको सेटअप करने में, उसको फ्यूल देने में। इसीलिए रशिया को हम ओल्ड वेदर फ्रेंड बोलते हैं, बिकॉज रशिया ने हमेशा में मिलिट्री में, डिफेंस में या इंटरनेशनल जब वोटिंग होती है हमेशा हेल्प करी है। तीसरा है साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया चाइना यूके। तो इंडिया चाइना और यूके कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर बायोफ्यूल को इकोनॉमिक बनाने के लिए एक प्रोसेस डेवलप करी है, ये देखेंगे। टाइम फॉर ए सेंसस कम व्हाट मे, तो 2021 में सेंसस होने वाला था। हर 10 साल में सेंसस होता है, तो 2011 में लास्ट टाइम सेंसस हुआ था। अभी 2024 आ चुका है लेकिन सेंसस अभी तक नहीं हुआ है, प्रोसेस डिले हो रही है। उसको लेके ये आर्टिकल आया है कि क्यों ये डिले हो रहा है, क्या इसके फायदे नुकसान हो सकते हैं। थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ वही चीज निकालेंगे जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगी। एक्सरसाइज तरंग शक्ति अभी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने फ्रेंडली नेशंस को बुलाएंगे और दोनों की जो इंटरऑपरेबिलिटी है या कंपेटिबिलिटी है उसको टेस्ट करने के लिए ऐसी एक्सरसाइज टाइम टाइम होती रहती है। अभी 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ यूपीएससी का, उसमें एक्सरसाइज पूछी गई मित्र शक्ति। तो उसमें चार स्टेटमेंट थी। पहले स्टेटमेंट में दे रखा था कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज है बांग्लादेश के साथ, उसका उत्तर श्रीलंका था। उस एक ऑप्शन को एलिमिनेट होते ही पूरा उत्तर आ रहा था। इस तरह की एक्सरसाइजेस न्यूज में रहती हैं, तो हमें जो भी हमारी टॉप एक्सरसाइजेस हैं 25 से 30 है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फ्रांस, रशिया, यूके, चाइना, श्रीलंका, मालदीव्स, तो ये हमें एकदम टिप्स भी याद होनी चाहिए। आज का जो हमारा एडिटोरियल है, द हाई कॉस्ट ऑफ ए ग्लोबल इकोनॉमिक डीकपलिंग। अभी यूएस ने चाइना पे कुछ ट्रेड बैरियर्स लगाए हैं, उसको लेके ये आर्टिकल आया है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर है और इंडिया का तो सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना ही है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो चाइना यूएस को सप्लाई कर रहा है। और अब यूएस अगर ट्रेड बैरियर ऐसे लगाएगा तो फिर चाइना की तरफ से भी ट्रेड बैरियर्स आएंगे, तो इससे क्या होगा, एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत दिन से न्यूज में है, मेंस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड वॉर प्रोटेक्शनिज्म या रेलेवेंस ऑफ WTO इन द राइजिंग ट्रेड वॉर सिचुएशंस। तो इससे कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतें आ सकती हैं या इकोनॉमिकली जो सुपर पावर बन चुके उनको वहां पे क्या दिक्कतें आई, इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया क्या इसमें कॉन्टेक्स्ट है, अच्छा आर्टिकल आराम से पढ़ेंगे। और आज हम मेजर रिवर्स हैं वर्ल्ड की, उसको पार्ट टू देखें। कल हमने देखा था जैसे नाइल रिवर, अमेजोन, ठीक है। तो आज कल वाले उत्तर एक ही स्टूडेंट ने, मैंने देखा था एक स्टूडेंट ने उत्तर दे रखा था नीचे, सारे उत्तर सही थे उसके। तो आप भी इसके कमेंट करना। आज ही लास्ट में 5 क्वेश्चन रहेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला हमारा है कि इंटरनेशनल रिलेशन से आया बायलेटरल रिलेशन। देखो ये हमारे देश के एनएसए हैं अजीत डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और ये है इनका नाम है जेक सुलिवन, ये यूएस की तरफ से है। तो आपको पता रहेगा कि न्यूज में चल रहा है ये वाला टर्म ICET, ये बार बार न्यूज में आ रखा है। तो ये क्या है, इनिशिएटिव फॉर द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जो नई अभी इमर्ज हो रही है, 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, इन चीजों में हम दोनों देशों को कोऑपरेशन चाहते हैं, बिकॉज दोनों ही सुपर पावर है एक तरह से। इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा है और यूएस पहले से सुपर पावर है, तो इसको लेके दोनों में जो बायलेटरल टाइज है वो डीपन करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन हम चाहते हैं, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो कल के जैसा ही आर्टिकल है, थोड़ा सा कीवर्ड यहां से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। देखो इंडिया और यूएस की जो डिफेंस कोऑपरेशन है, डिफेंस के मामले हम क्या चाहते हैं कि भाई एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो हमारा, जिससे हमारे डिफेंस कोऑपरेशन हो, रीजनल स्टेबिलिटी आए। दूसरा हम कह रहे हैं डिफेंस एग्रीमेंट, जो हमारे बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है वो बहुत जरूरी है। जैसे कॉमकासा बेका क्या है, ये यूएस के ही इनिशिएटिव्स हैं, द कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा एंड द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो कॉमकासा बेका याद रखना, ये यूएस के साथ डील हुआ है, इसमें ऑप्शन आ सकता है चाइना के साथ, फ्रांस के साथ, कॉमकासा और बेका।
ये दोनों याद रखना आप, ठीक है। डिफेंस ट्रेड में हम चाहते हैं कि जो डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह है इंडिया को आता है, तो उसमें भी हमारा कोऑपरेशन चाहेगा। हम डिफेंस में मेजरली या तो रशिया से इंपोर्ट करते हैं या फ्रांस से या फिर यूएस से। तो हमने देखो दो तरह के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, चिनूक और अपाचे, ये दोनों ही हमने यूएसए से लिए हैं। ऐसे अक्सर नाम दे देते हैं और कहाँ से लिया है वो आपको काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा मेंशन करने के लिए। चिनूक वहां पे गर्म विंड है अमेरिका की, जिसको हम स्नो हीटर भी बोलते हैं, तो चिनूक आपको वहां से भी अंदाजा लग सकता है। चलो इसके बाद हम देखें तो इंडिया क्या चाहता है कि भाई हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो लोकलाइज्ड हो, इंडिया के अंदर आके बनाओ। मेक इन इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल हम दे ही रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच में 2+2 मिनिस्टर डायलॉग होता रहता है। 2+2 का मतलब क्या है? दो दो मिनिस्टर, दो मिनिस्टर मतलब हो गए फॉरेन अफेयर्स के, दो हो गए डिफेंस के, तो 2+2। जियोपॉलिटिकल में हम चाहते हैं कि भाई टेररिज्म को काउंटर करें, मैरिटाइम सिक्योरिटी हो, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन हो। तो ये जो सारी टर्म है, रूल बेस्ड ऑर्डर, काउंटरिंग टेररिज्म, मैरिटाइम सिक्योरिटी, ये क्रक्स है हमारे। जब भी आईआर के क्वेश्चंस आप सोल्व करने जाओगे, इन वर्ड्स के बगैर आपका क्वेश्चन अधूरा रहेगा। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया और यूएस के बीच में क्या क्या हमारे एम है, क्या क्या सपोर्ट, तो ऐसे ऐसे वर्ड हैं। ये मतलब स्टैंडर्ड वर्ड है। इनको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कुछ हर सब्जेक्ट के अपने कीवर्ड होते हैं। तो उनमें आईआर में तो कम से कम 20-25 वर्ड हैं जो आपको डायरेक्टली आने चाहिए आपके आंसर्स में। फ्यूचर में हम अनमैन्ड सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, कोलाबोरेशन करना चाहेंगे। चलो ठीक है, दूसरी न्यूज हमारी है रशिया से। रशिया का एक कॉरपोरेशन है, इसका नाम है रोसतम। तो ये रशिया का स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन है। तो ये हमें क्या देने वाले हैं? स्पेशलाइज्ड टर्बाइन, होल पाइपलाइन वगैरह वाल्व देने वाले हैं। तो हमारे पास जो कुदनकुलम का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बेसिकली ये तमिलनाडु के अंदर है, और ये पूरा जो पावर प्लांट है रशिया की मदद से बना है, और ये इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको एंश्योर करता है। तो ऐसे आपको पता रहना चाहिए कहाँ कहाँ हमारे पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सबसे पहले तारापुर था, कुदनकुलम हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो जो जो है गुजरात में, महाराष्ट्र में, यूपी में, तमिलनाडु में, तो सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट आराम से एक बार देख लेना। चलो तो ये कुदनकुलम तो हमारा तमिलनाडु में रहा, और इसको किसने बनाया है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआईएल, इस किसके साथ मिलके, जो हमारी रशिया का जो रोसतम करके है उसके साथ मिलके हमने बनाया है। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर यूज करते हैं, तो रशिया ने इसमें जो क्रिटिकल फ्यूल वगैरह सब कुछ रशिया ही सप्लाई कर रहा है। इसमें 6 यूनिट है, यूनिट नंबर 1 और 2 तो ऑपरेशनल है, और 4, 3, 4, 5, 6 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी हम इंश्योर करते हैं, इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड से मैच करता हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, और हम डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। बिकॉज अगर हमें क्लीन फ्यूल चाहिए तो हम न्यूक्लियर के ऊपर बढ़ रहे, क्योंकि थर्मल में क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट निकलता है, और जो कोल है वो भी हमें बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में न्यूक्लियर के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है वो इतना नहीं है। हमारे पास लार्जली एक ही माइन है, जादूगोड़ा माइंस, अदरवाइज हम यूरेनियम वगैरह बाहर से सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी एनर्जी को डाइवर्सिफाई करना हमारा फर्स्ट नीड है। अगला आर्टिकल है, ये जो साइंटिस्ट है इंडिया, यूके और चाइना से, इन सब ने मिलकर क्या किया है, बायोफ्यूल को बेहतर बनाने के लिए कुछ रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किया है। तो एनआईटी सिलचर और एनआईटी रूरकेला से ये लोग गए थे, और इनका मेन काम क्या था? वाटर रेपेलेंट कैटलिस्ट टू एनहेंस द बायोडीजल प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिवली, ठीक है। इसका काम क्या होगा कि ये स्पेरिकल सुपर हाइड्रोफोबिक एक्टिवेटेड कार्बन कैटलिस्ट डिजाइन किए हैं, जो इसको जो बायोफ्यूल हम बनाने वाले हैं, जैसे अभी फिलहाल क्या बता रहे हैं कि 1 लीटर बायोफ्यूल को बनाने में 100 रुपए लग रहे हैं, तो करीबन 37% तक ये उसको लोअर कर देगा, ताकि ग्रीन फ्यूचर हो, ग्रीन एनर्जी हो। फ्यूचर इज ग्रीन एनर्जी ओनली, सोलर थर्मल, जैसे सोलर है, जियो थर्मल है, न्यूक्लियर है, विंड है, तो इस तरह की बायोफ्यूल्स है। तो इसके ऊपर एक आर्टिकल है, तो थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। ये आर्टिकल है सेंसस पे कि 2021 का सेंसस डिले हो रहा है। देखो ये पूरा आर्टिकल, वैसे तो ये बीजेपी को ब्लेम कर रहा है कि बीजेपी के पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, कि भाई वो डिलिमिटेशन कमीशन को में पॉलिटिकली गेन लेना चाहते हैं। लेकिन आपको एज ए सिविल सर्वेंट या एस्पिरेंट कभी भी पॉलिटिकल न्यूज को बायस होकर नहीं देखना चाहिए। आर्टिकल्स आते रहते हैं, हमें उसमें से न्यूज उठानी है, व्यू नहीं उठाना उसका। तो देखो 2021 का सेंसस, इसमें से जो हमारा काम का है वो आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहला, सेंसस बनाता कौन है? सेंसस बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। तो ये सेंसस करते हैं, हर 10 साल में होता है। 2011 में लास्ट टाइम हुआ था, बीच में कोविड पेंडेमिक वगैरह आ गया, तो इस वजह से डिले हो रहा है।
तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा, सबसे पहला सेंसस कब हुआ था, ये आपका क्वेश्चन रहेगा आज का। इसमें डिटेल इकट्ठा करी जाती है, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, और ये सारा डेटा एकदम सीक्रेट रहता है, राइट टू प्राइवेसी के तहत पब्लिकली नहीं आता है कि ठीक है। इसमें अभी टेक्नोलॉजी का यूज करके मोबाइल टैबलेट वगैरह कर रहे हैं, कि पहले क्या होता था मैनुअली रिकॉर्ड करते थे, अब सारा टैबलेट पे इकट्ठा होगा, तो सारा डेटा अपने आप एआई की मदद से हम कर सकते हैं, कि उसको अरेंज करना हो पॉपुलेशन वाइज, एज वाइज, सेक्स वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज। इसका मेन काम क्या होता है कि हमें अगर अपनी पॉपुलेशन के बारे में पता रहे कि डेमोग्राफी हमारी कैसी है, तो हम उनके लिए पॉलिसी बना सकते हैं। मान लो हमें दिख रहा है कि हमारे देश में इतने लोग मैरिड हैं, इतने अनमैरिड हैं, इतने लोग एजेड हैं, तो एजेड के लिए जैसे हमने कल देखा था कि अभी करीबन 10.5% लोग एल्डरली हैं इंडिया में, और ये पॉपुलेशन अगले 20 साल में डबल होने वाली है, ठीक है। तो हम पहले से ही एल्डरली पॉपुलेशन के लिए वो पॉलिसी, वो फंड, वो स्कीम वगैरह बना पाए, ठीक है। तो इसलिए ये सब होता है। अब देखो दिक्कत क्या है कि जो डिलिमिटेशन होना है, क्योंकि आपको पता रहेगा जो हमारी सीट है एमपी एमएलए की, वो पॉपुलेशन के आधार पे होती है। तो हमारा जो 84th अमेंडमेंट था, उसमें 2026 एक डेट फिक्स करी गई थी कि 2026 के बाद सीट बढ़ेंगी, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं और साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, उसके बीच में हमेशा ये रहता है कि भाई अब यूपी को तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनको ज्यादा सीट मिलती हैं पार्लियामेंट, उनको 80 सीट्स हैं, जबकि केरला है उसने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, तो वहां बहुत नुकसान में रह गए, इसलिए उसको पॉपुलेशन को फ्रीज कर दिया 2026 तक। तो अब ये आर्टिकल में कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जानबूझ के डिले हो रहा है ताकि 2026 के बाद डिलिमिटेशन हो और फिर ये पॉपुलेशन के हिसाब से सेंसस करवाएं। तो इस तरह का न्यूज है, बट वो हमें ध्यान नहीं देना है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, पब्लिक अवेयरनेस होती है, सिग्निफिकेंस मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो 84th अमेंडमेंट हुआ था, उसमें फ्रीज कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंसी को 2026 तक। 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके हिसाब से सीट बढ़ेंगी, तो हो सकता है ये वेट कर रहे हो 2026 का, है ना। तो इस तरह से ही अपना लेवरेज लेना चाहते हैं ये इस आर्टिकल में, बाकी ऐसा कुछ नहीं इस आर्टिकल में। चलो, ऑपरेशन तरंग शक्ति है, इंडियन एयरफोर्स का है, तरंग देख के पानी वाली लग सकता है कि नेवी का होगा, लेकिन ये है किसका, ऑपरेशन तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स का। हम इसमें मेन काम क्या करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज हो, वो मिलिट्री की हो, वो नेवी की हो, वो एयरफोर्स की हो, उसका जो लार्जली जो एम होता है वो होता है कोऑपरेशन, इंटर ऑपरेबिलिटी, तो और म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है। अपनी लर्निंग्स, किसी के पास कुछ बेहतर है, किसी के पास बेटर लर्निंग टैक्टिक्स, ठीक है, फाइटिंग अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, इस तरह से हम ये सारे वर्ड आपको याद रखना चाहिए। तो कौन कौन आएगा भाई, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो एक पेज में आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल इंटरेक्शन होगा, एक्सचेंज होगा। देखो अभी 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ यूपीएससी का, उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 आर करेक्ट। चार स्टेटमेंट आई थी, पहला ये आया था कि ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश की, दूसरा आया कि ये कहां पे हुआ, औंध, पुणे में हुआ, तीसरा था कि ज्वाइंट रेस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन गोल्फ ऑपरेशन, फोर्थ कह रहा था इंडियन एयरफोर्स वॉज ए पार्ट ऑफ दिस। तो देखो चार स्टेटमेंट है, हमें नहीं पता चारों में से, लेकिन अगर आपको ये पता रहता कि ये बांग्लादेश की नहीं, ये श्रीलंका की है, तो ऑप्शन 1 हटाते ही उत्तर आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखनी पड़ेंगी। याद कैसे रखोगे, इनको ट्रिक से, जैसे मैंने पिछली बार भी बच्चों को कराया था, ये आज से नहीं करीबन 10-15 साल से चल रही है मित्र शक्ति। तो मैंने कैसे याद कराया था कि जैसे रामायण में क्या होता है, जब बाण वगैरह चलाते हैं, या महाभारत में भी आप देखोगे तो बाण चलाने से पहले क्या बोलते हैं, सावधान मित्र। तो जैसे राम ने बाण चलाया रावण की तरफ, तो पहले क्या बोलते हैं, बाण चला के सावधान मित्र, तीर आ रहा है। तो उससे मैंने दिमाग में याद कर रखा था सावधान मित्र मतलब श्रीलंका। तो ऐसे याद करने से दिमाग कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे अगर मैं चाइना के बताऊं, तो चाइना का हैंड इन हैंड, तो हैंड इन हैंड का मतलब है हाथ से हाथ मिला के, हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। और अगर हम अमेरिका की देखें तो युद्ध अभ्यास, तो भाई अमेरिका इज अ पावरफुल मिलिट्री पावर, और उसके साथ तो अभ्यास ही ठीक है, रियल में लड़ाई हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे कर करके सारी जो मेजर मेजर 15-20 एक्सरसाइज है वो दिमाग में फिट होनी चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन ही बताता रहूंगा कि कहाँ कहाँ से आएंगे। आज का जो हमारा एडिटोरियल है, ग्लोबल इकोनॉमिक डीकपलिंग, देखो इसमें इशू क्या है,
इशू ये देखो, ये आप जरूर पढ़ा करो कि पहले कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे कैसे आ सकता है, इससे आपको पता लगता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो हुआ क्या है, हम रिसेंट में क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक नेशनलिज्म देख रहे हैं, ग्लोबल डिकपलिंग देख रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक चेंज हो रहे हैं, जिससे वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंसेस आ रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है कि पूरा वर्ल्ड अब इंटीग्रेटेड है, इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी इंपैक्टेड है सारा। एक देश में सरकार बदलती है, दूसरे देश में प्रभाव पड़ता है ट्रेड का। चाहे मालदीव्स है, वहां सरकार कैसी बनेगी उसके आधार पर हमारा हमारी पॉलिसी भी इन्फ्लुएंस होती है। या अगर ये बात करो कि आप अगर यूएस की शेयर मार्केट में कोई फॉल आता है तो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इंडिया के शेयर मार्केट में, ठीक है, डिफेंस हो गया, एनर्जी हो गया, तो सारी। लेकिन अगर एक कंट्री ऐसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म दिखाएगी कि भाई अमेरिका फर्स्ट, प्रोटेक्शनिज्म, तो दूसरे जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट होगी। अगर फिलहाल मुझे कुछ मंगवाना है अमेरिका में, कोई चीज है प्रोडक्ट, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा, वो फट से एक हफ्ते के अंदर शिपिंग होगी, इंडिया आ जाएगी। लेकिन अगर हमारी पॉलिसीज इंटीग्रेटेड नहीं होंगी तो वही चीज इंडिया में से लेनी पड़ेगी। अब मान लो कोई चीज 1,000 रुपए की मिल रही है इंडिया में, वही चीज अमेरिका में 500 की मिल रही है, तो मैं वहां से ऑर्डर कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहती है, लोगों के पास, कंज्यूमर के पास बेहतर ऑप्शंस रहते हैं और पूरा वर्ल्ड इससे बेनिफिट होता है। तो रिसेंट में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया है कि भाई वो नए टैरिफ लगाएंगे चाइनीज इंपोर्ट्स पे, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई इकोनॉमिक डिकपलिंग होगी मेजर इकोनॉमीज में। डिकपलिंग का मतलब क्या है कि एक चीज को दूसरी चीज से थोड़ा सा सेपरेट करना। वैसे तो डिकपलिंग यूज किया जाता है इकोनॉमिक टर्म्स में जब किसी चीज का इंपैक्ट एनवायरमेंट या कॉन्टेक्स्ट में होता है, कि आप जो काम कर रहे हो उसका इंपैक्ट एनवायरमेंट पे नहीं आना चाहिए, इकोनॉमी का इंपैक्ट उस सेंस में होता है। लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है कि जो चीजें एक साथ चल रही हैं, जो कंबाइन में चल रही हैं, वो अलग अलग होने लगेंगी। तो इससे क्या होगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन आएंगे। टेंशन क्यों आएंगी, बिकॉज चाइना इज ए मेजर सुपर मेजर इकोनॉमिक पावर। तो अगर उसकी चीजों पर ट्रेड ये टैरिफ लगेगा तो चाइना भी लगाएगा, ट्रेड वार स्टार्ट होगा, ट्रेड वार स्टार्ट होगा तो इंडिया तो दोनों से ही माल लेता है तो दोनों पे इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कम करना चाहते हैं और अपने नेशन की सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। चाइनीज के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके ऊपर टैरिफ लगा के यूएस चाहता है कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो ज्यादा प्रमोट हो, बिकॉज चाइनीज माल सस्ता होता है, वो चीज क्वालिटी भले ही वो कम हो जाए लेकिन माल सस्ता देते हैं, इस वजह से लोग उनको ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो वो अपने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करना चाहता है। अब उनके पास मेडिकल डिवाइसेस हैं चाइना से, वो भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो चाइना दरअसल क्या करता है, चेकबुक डिप्लोमेसी है, इतना सामान दे देता है कि अगले वाली कंट्री फेल हो जाए। जैसे हमारे इंडिया में है, दिवाली के टाइम इतनी लाइट आ जाती थी, हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं बेचारे वो अपना सेल ही नहीं कर पाते थे, जो मिट्टी के दिए वगैरह थे वो तो कोई खरीदता ही नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे लोग चेंज कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो यूएस का हेल्थ केयर हो गया, यूएस की इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट हो गया उसको डिसरप्ट कर रहा है। अगर टिट फॉर टैट चलने लगा तो भाई ग्लोबल प्रोटेक्शन वगैरह दिक्कत हो सकती है, इंटरनेशनल ट्रेड है वो हार्म होगा, और जो जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो SDG तभी तो पूरे होंगे ना जब सारा वर्ल्ड एक साथ काम करेगा। अभी आप देखो टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है, अगर सारे देश मिलके अपना जो अपना प्रोडक्शन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो कम नहीं करेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, तो पूरी पूरा एटमोसफेयर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब एक गांव में आप पेड़ पौधे बहुत सारे लगा दो तो पूरा एनवायरनमेंट ठंडा हो जाएगा, नहीं, पूरा एटमोसफेयर कनेक्टेड है वर्ल्ड का, तो इस तरह से कोलेबोरेशन करना पड़ेगा हमारा। तो भाई इस तरह से सारे सपोर्ट है, मतलब ये सारा इंडिया इंडिया का मेन है कि इंडिया क्या चाहता है। देखो तो इंडिया चाहता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक डिकपलिंग से इंडिया को फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि जो चीज अमेरिका चाइना से ले रहा था या चाइना अमेरिका से ले रहा था, अब वो आपस में नहीं लेंगे तो वो कहाँ से लेंगे, वो इंडिया से लेंगे, तो इंडिया इसमें एज ए थोड़ा थोड़ा सा फायदा भी ले सकता है। लेकिन हमें अपने मैन्युफैक्चर सेक्टर पे ध्यान देना है, बिकॉज हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना डेवलप्ड नहीं है कि वो एक्सपोर्ट इतना सारा कर पाए जितना उनको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इससे ग्लोबल क्राइसिस आ सकता है, बिकॉज WTO के जो नॉर्म्स है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या था कि पूरे वर्ल्ड का ट्रेड सही से चलता रहे, लेकिन जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं ये WTO की मानती नहीं है, कई बार WTO बोलता है या UN की भी नहीं मानती है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आने को तैयार रहता है, द रेलेवेंस ऑफ द WTO, रेलेवेंस ऑफ द WHO, रेलेवेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ऐसे एक नए बाई मतलब मल्टीपोलर जो वर्ल्ड उभर रहा है उसमें। चलो देखो कंक्लूजन हमेशा सबसे मेन चीज होती है,
आपका आंसर कंक्लूड कैसे करते हो उसी से आपको नंबर मिलते हैं, या तो इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में। एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो दो टाइम ही मतलब उस पर फोकस करता है कि इसने इंट्रो कैसे किया है। नो डाउट बॉडी अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर कंक्लूजन अच्छा होता है तो नंबर देने में 0.5 या 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलता है। आप देखो, जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना कपल्ड विद द इंक्रीजिंग इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन पोज सिग्निफिकेंट रिस्क टू द लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। द फ्यूचर ट्रेजेक्टरी रिमेन्स अनसर्टेन विद पोटेंशियल रिपरकशंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इफ द साइकिल ऑफ एस्केलेशन परसिस्ट। तो कितना बैलेंस्ड और बहुत सोच समझ के वर्ड यूज किए गए, कहीं पर भी एक्सट्रीम व्यू नहीं आ रहा है, कहीं पर भी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हम। एक बैलेंस सा व्यू होना चाहिए और फ्यूचर में एक ऑप्टिमिस्टिक सी फील आनी चाहिए कि हाँ सब कुछ बेहतर होगा। तो ये हमारा एडिटोरियल था आज। हम देखते हैं अपना मैप। हुआंग हे रिवर है, इसको हम येलो रिवर भी बोलते हैं, और ये कुनलुन माउंटेन से निकलता है, इसको हम सोरो ऑफ द चाइना बोलते हैं। ये कहाँ जाके गिरती है? सी ओ बोहाई है या गल्फ ऑफ चिली बोल देते हैं। ये हमारे येलो रिवर है और ये यहाँ जाके गिर जाती है इस सी में, ठीक है, बोहाई सी बोल देते हैं, या इसको हम चिहली भी बोल देते हैं। ये येलो क्यों है? बिकॉज इसके ऊपर एक पूरा डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट की जो मिट्टी है वो आती रहती है, इस वजह से इसका कलर येलो हो जाता है। तो गोबी डेजर्ट भी अपने एटलस में मार्क कर लेना, गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, येलो रिवर कहाँ पे, इसका नाम हुआंग हे है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगली रिवर है येनिसे, ये रशिया की रिवर है, कल भी हमने देखा था ओब रिवर, तो आज हमने येनिसे देख लिया है, तो ये हमारी रशिया की है। अगर वर्ल्ड में देखें तो ये रहा इंडिया, ये रहा रशिया, और यहां से जाके ये आर्कटिक ओशन में गिर जाती है येनिसे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पर लेक बैकल भी है, वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक, ये भी रशिया में ही है, लेक बैकल, ये ध्यान रखना। इसके बाद पराना रिवर है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे है। पराना दो रिवर है, पराना प्रोग्वे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कहाँ पे है ये, अर्जेंटीना, चिले और यहाँ ब्राजील के आसपास आपको देखने को मिलेगी। पराना और पराग्वे दोनों आपको याद रखना है। ऐसे ही जैसे हमने कल देखा था, कल नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा था मिसूरी मिसिसिपी, दो दो का ज्वाइंट है, ऐसे यहाँ पर पराना पराग्वे, ऐसे इंडिया में है गंगा यमुना, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में है मुर्रे डार्लिंग। तो इस तरह से दो दो के जोड़े हैं जो फेमस हैं, इस हिसाब से हमको अपने एटलस में इसको मार्क कर लेना। फिर है एटियस, ये ओब रिवर के अंदर जाके मिल जाती है, ये एटियस, ओब, येनिसे, ये तीन चार ही रिवर हैं जो आपको एटलस में मार्क करनी है अपने रशिया की तरफ जाके। देखो एटलस में दो तरह के मैप मिलेंगे आपको, एक फिजिकल एक पॉलिटिकल। फिजिकल क्या होता है? जिसके अंदर रिवर, माउंटेन्स, ये वगैरह फिजिकल फीचर दिखाए जाएंगे। और पॉलिटिकल में क्या होगा? पॉलिटिकली उन शहरों के नाम या उनकी बाउंड्री, तो ये फिजिकल फीचर में आपको मिलेंगे। फिर अगली रिवर है हमारी कोंगो रिवर या जायरे रिवर, ये अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है, ये हमारी कोंगो रिवर है। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 साल से यूपीएससी प्रीलिम्स में आ रही है। देखो यहां पर आपको ये तो याद रखना ही है, इक्वेटर जो है हमारा 0 डिग्री लेटिट्यूड, वो कोंगो रिवर को 2 बार काटता है। ये रही हमारी कोंगो रिवर, यहां से गुजरता है 0 डिग्री इक्वेटर, 2 बार काटता है। इक्वेटर जो है वो लेक विक्टोरिया के अंदर से गुजरता है, ये आप ध्यान रखना। और नीचे आपको मिलेगा यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन एक रिवर रिवर है लिम्पोपो, ठीक है, उसके अंदर से 2 बार काटेगा उस रिवर को। तो ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन आई अपनी एटलस में ही लिख लेना, ठीक है। चलो भाई आज के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं फटाफट, ये आपको आंसर करने हैं। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार एंड सोरो ऑफ बंगाल? हमने सोरो ऑफ चाइना देखा था येलो रिवर, ऐसे ही सोरो ऑफ बिहार और सोरो ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं आपको बताना है। दूसरा है, हु इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ अमाउंट वैल्यू? तो ये आपको बताना है, ये मैंने आपको इसी में बताया था बात करते समय। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे एंड द वाई भारत मैटर्स? ये दोनों बुक एक ही आदमी ने लिखी है, यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स में ये पूछी गई है, तो आपको ये बुक बतानी है। ऐसे ही बुक्स का ट्रेंड है पूछने का। देखो सारी बुक याद नहीं करनी होती, लेकिन जो बहुत फेमस बुक होती है, जो न्यूज़पेपर में आती रहती है, खबरों में आती रहती है, या कोई बहुत बड़ा इंसान है, मतलब फेमस प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वो लॉन्च करते हैं, वो हमको पता रहना चाहिए। द विच लेक ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इन टू अ डेजर्ट?
2022 में वेस्ट अफ्रीका की कौन सी लेक थी जो पूरी तरह सूख गई और डेजर्ट बन गया? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये आपको पता रहना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ सेंसस इज कंडक्टेड अंडर विच मिनिस्ट्री? सेंसस का जो प्रोसीजर है वो कौन सी मिनिस्ट्री कराती है, यह भी हमने न्यूज में देखा है। तो इन पांचों के आंसर आप कमेंट में करना। मैं फिर कह रहा हूं कि कमेंट करने से क्या होता है, वो आपके डीप मेमोरी में चला जाता है, ठीक है, आप बेहतर याद कर पाते हो। पढ़ने के तीन तरीके होते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। तो आप सुन तो रही हो, पढ़ भी रहे हो, आप लिख और दोगे तो वो चीज परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।